चुका हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको फेसबुक का अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्यों बनाना है और वो कैसे बनाना है। पहले बता चुका हूँ क्यों बनाना है, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कैसे बनाना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना फेसबुक में लॉग इन कर लेना है। दोस्तों फेसबुक में लॉग इन करने के बाद आप देख सकते हैं अपने राइट, पहले आपको मैं दोनों में डिफरेंस दिखा देते हैं कि एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट में क्या क्या होता है और बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो नहीं है, जो नया अकाउंट है वो कैसा होता है। तो पहले आपको दिखाता हूँ बिजनेस मैनेजर अकाउंट। दोस्तों ये मेरा खुद का अकाउंट है, पर इसमें मैं एड्स वगैरह अपने ऑफिशियली कुछ नहीं चलाता हूँ, मैं किसी और आईडी चलाता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, बट मैंने इसको बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना रखा है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। देखिए दोस्तों, जैसे आपका जिस जिन भाई लोगों का बिजनेस मैनेजर अकाउंट होगा, तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे जहाँ मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा आपको बिजनेस मैनेजर यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर जिस जिस पेज के आपने ऑथराइजेशन ले रखी होगी, या फिर आपको कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पार्टनर बना रखा होगा, या फिर कोई रोल आपको दे रखा होगा पेज पे, तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट देख सकते हैं। दोस्तों बिजनेस मैनेजर अकाउंट के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ डिफरेंस। ये किया अकाउंट है जो मेरा, जिसमें आप देख सकते हैं बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से है। अब आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट देखिए, ये दोस्तों ये दूसरा अकाउंट है, ये दूसरा अकाउंट है। तो इसमें देखिएगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये इसको बिजनेस मैनेजर अकाउंट इस पर नहीं बना हुआ, तो कुछ सिंपल अकाउंट जो भाई लोगों को आप बनाना चाहते हैं, और जिन भाई लोगों का नहीं बना हुआ, कुछ उनका फेसबुक कुछ इस तरीके से होगा जो एक सिंपल यूजर की तरह होता है। लेकिन जिनका ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर पर अकाउंट बना हुआ है, उनका अकाउंट कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया, लेकिन अब बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाना कैसे है वो आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप इस पेज पे जाएंगे, और पेज पे जाने के बाद जैसे आपका फेसबुक ओपन हो रखा है, जैसे सपोज करिए आपका फेसबुक है, आपको ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, एक और यहाँ पे न्यू टैब खोल लेना है। न्यू टैब में आप टाइप करेंगे business.facebook.com, इस पे एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप business.facebook.com पे क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और उसके बाद राइट हैंड साइड पर आप देखिएगा यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे रखा है, तो क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे ना आपका बिजनेस एंड अकाउंट नेम वो पूछेगा कि आप किस नाम से अपना बिजनेस अकाउंट नेम बनाना चाहते हैं। तो मैं तो अभी एक क्लाइंट का हमारा काम है, तो मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ टॉप गुरु के नाम से। सपोज करिए हम इसके नाम से बनाते हैं साक्षी मल्होत्रा, हम अपनी जो भी जिस भी नाम से आप अपना अकाउंट है आपका फेसबुक वो रहेगा आपका। ईमेल आईडी का आप डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई भी अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए जो भी आप डालना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, डालिएगा जरूर, एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी आप डाल रहे हैं, एक बार कंफर्म करके अपने हैंड से तभी आप डालिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछता है वही सारी फॉर्मेलिटीज वाली चीजें पूछता है जो आपको शायद पता होंगी। कंट्री आपसे पूछेगा, जो भी आप अपना मेंशन कर चाहते हैं, आप अपनी जो जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आप मेंशन करिएगा। एड्रेस आप अपना यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ नंबर चेंज कर दीजिएगा, तो मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये नंबर ना जाए। अपनी वेबसाइट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को आप आसानी से डाल दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद ये पूछता है बिजनेस यूज, दिस अकाउंट प्राइमरीली यूजेस फेसबुक टूल्स और डाटा टू प्रमोट इट ओन गुड्स और सर्विसेज और प्रोवाइड सर्विस टू अदर बिजनेस। मतलब ये आप अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करेंगे अपने लिए, या फिर आप किसी को अदर बिजनेस को आप ये दे देंगे। तो देख लीजिएगा, अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो आप प्रोवाइड सर्विस टू अदर बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए करना चाह रहे हैं तो प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं प्रमोट ही करूंगा अभी के लिए, और उसके बाद सबमिट कर दूंगा। तो सबमिट के बाद ये कुछ सेकंड्स ले रहा है, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मुझे बोलता है टॉप गुरुज हैज बीन क्रिएटेड। तो मेरे यानी मेरा अकाउंट लगभग बिजनेस मैनेजर बन चुका है। अब मैं डन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये दोस्तों मुझे मेरे बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे यहाँ पे ले आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये मेरे से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये पेज मेरे सामने ओपन हो चुका है, आप यहाँ पे अपनी फोटो लगाना चाहते हैं किसी भी तरीके की टॉप गुरुज की लगा सकते हैं, या फिर आप ऐड सिक्योरिटी टू अकाउंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं रिमाइंड भी लेटर तो कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। उसी हिसाब से आपको बता दूं कि इस अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं। ऐड अकाउंट क्या होता है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि पहले की मैं ये फेसबुक सीरीज चालू कर रहा हूँ पूरी पेड, पेड में आपको छोटी से लेकर अकाउंट बनाने से लेकर हर तरीके ऐड कैंपेन सब कुछ चलाना सिखाऊंगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं, आप बेझिझक रहिए, जो भी अभी क्वारी प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
तो बेफिक्र होके हमारी इस वीडियोस को देखिए, कोई आपको लगता है कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज हमसे पूछ लीजिएगा। इसी तरह इसमें दे रखा है कि आप अगर इसी अकाउंट के अंदर कोई ऐप पेज ऐड करना चाहते हैं, कोई भी आपका पेज है जिसको आपका फेसबुक पे हो तो उसको ऐड पेज पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप ऐड अ पेज यू ओन या वो कर सकते हैं, या फिर ऐड समवन एंड पेज तो रिक्वायर्ड एक्सेस भी कर सकते हैं, और क्रिएट अ न्यू पेज, आप न्यू पेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट पर आप क्लिक कर सकते हैं, और पीपल्स को आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पीपल पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद आपको पूछेगा एम्प्लॉय एक्सेस है आपके पास, एडमिन एक्सेस, आप इसको ऑफ मत करिए, ऑन कर सकते हैं। आप जिन जिन को ऐड करना चाहते हैं उनका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से काम आपका आसान होने के बाद 3 स्टेप्स होता है, नेक्स्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट करने के बाद आपको एक और स्टेप होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। तो ये बात हो गई पूरे अकाउंट की। इस तरीके से आप अकाउंट का होम पे थे, हम अकाउंट ओवरव्यू एक बार कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका अकाउंट बनेगा दोस्तों, जो भी अकाउंट नेम, इंप्रेशन, रीच वगैरह, जो भी आप पेड वगैरह चलाएंगे इस तरीके से आपको चीज़ें दिख जाएंगी। एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे जाके अपने अकाउंट पे आसानी से देख सकते हैं, कितने लोगों को एडमिन का रोल मिला हुआ है, कितने लोग, कितने एम्प्लॉय, कितनों को एम्प्लॉय का रोल मिला हुआ है, इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं। हम चलते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड पर बिजनेस सेटिंग्स पे। बिजनेस सेटिंग पे दोस्तों जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे पूरे जितने भी आपका बिजनेस अकाउंट है इसका पूरा एक्सेस नजर आ जाएगा। दोस्तों बिजनेस अकाउंट के बेनिफिट्स में एक बेनिफिट्स आपको बता दूं, एक बार रिमाइंड करा दूं दोस्तों, बिजनेस अकाउंट हो अगर आपका होगा तो आपको फेसबुक की तरफ से कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, अगर आपका नॉर्मल अकाउंट होता तो आपको फेसबुक की तरफ से कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता। तो बिजनेस के अकाउंट की ये बहुत फायदा होता है कि आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट फेसबुक से अपनी प्रॉब्लम को दूर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पीपल ऐड करना आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे यहाँ जाके ऐड कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, वहीं पेजेस पे आप चाहते हैं पेजेस पे तो आप पेजेस को भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ऐड अकाउंट करना चाहते हैं ऐड अकाउंट कर सकते हैं, ऐप्स वगैरह जो भी इस तरीके से आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिकली मैं किसी एक चीज़ के बारे में बताऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसके बारे में आसानी से और बता दूंगा। तो वहीं पेमेंट की बात करें, अगर आप कोई पेमेंट गेटवे वगैरह भी लगाना चाहते हैं, पेमेंट मेथड या फिर आप ऐड करना चाहते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बस यही था दोस्तों बिजनेस मैनेजर अकाउंट में कैसे आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिया होगा, कोई आपकी क्वेरी नहीं होगी, अगर आप क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।